कार्य शुरू हो जाएगा। प्रथम चरण में 10,700 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का कार्य किया जाएगा। यह जानकारी करनाल के उपायुक्त ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए दी। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से करनाल में स्थित केंद्रीय स्टोर में कोविड शील्ड की 4,00,000 डोज प्राप्त हुई है। यहां से उत्तर भारत में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो निर्देश प्राप्त होंगे वह करनाल स्टोर से भेजी जाएगी। हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र में स्टोर बनाया गया है। कुरुक्षेत्र से प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन भेजी जाएगी। आने वाले 2 दिनों के अंदर करनाल में वैक्सीन आ जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 जनवरी से करनाल में वैक्सीन लगाने का कार्य शुरू होगा। इसके लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। प्रत्येक सेंटर में प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक वैक्सीन सेंटर पर 1 पुलिसकर्मी, 3 स्वास्थ्यकर्मी, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर की ड्यूटी रहेगी। आने वाले समय में वैक्सीन सेंटर को बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में जिले के करीब 10,700 हेल्थ वर्कर को ये वैक्सीन दी जाएगी। जी सर, वैक्सीन आई है तो उसका क्या रहेगा वितरण प्रणाली? करनाल में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का एक सेंट्रलाइज स्टोर है, उसमें कल शाम को हमें लगभग 4,00,000 डोजेज जो है वैक्सीन के, मेनली जो हमारी नॉर्थ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए हासिल हुए हैं। ये कोविड शील्ड वैक्सीन है कोरोना की, और रिलीज ऑर्डर उनको अभी आज मिल जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से स्टेट्स में उसकी डिलीवरी होनी है। हरियाणा सरकार के द्वारा कुरुक्षेत्र में एक सेंट्रलाइज्ड स्टेट स्टोर बनाया गया है, जहां से सभी जिलों में वैक्सीन भेजी जाएंगी। करनाल में हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक करनाल जिले की अलॉटमेंट हमें प्राप्त हो जाएगी, और 16 तारीख से हम हमारे यहाँ वैक्सीनेशन शुरू कर देंगे। फर्स्ट फेज में हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं हम उनकी वैक्सीनेशन करेंगे। उसमें 10,700 के करीब हमने लोग आइडेंटिफाई किए हैं। 16 तारीख को हम शुरू में 4 सेंटर्स बनाएंगे और वहां पे हर एक सेंटर पे 100 लोगों की वैक्सीनेशन की जाएगी। उसके बाद हम वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनकी संख्या को आगे बढ़ाएंगे। हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे 5 लोगों की ड्यूटी रहेगी, उसमें 1 पुलिसकर्मी, 1 कंप्यूटर एक्सपर्ट और बाकी 3 हेल्थ वर्कर्स हमारे होंगे। इसके लिए भी हमने ड्यूटी समुचित मात्रा में लगा दी है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम हमारे सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट कर देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.